मंत्री जी, अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अभी आपके मामा के ऊपर तिगांव के विधायक ललित नागर ने कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखिए मित्र, जिनकी बातों में गंभीरता ना हो, समझदारी जिनकी फितरत में ना हो, ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूं जिन्होंने विकास की राजनीति कभी की नहीं, सिर्फ आलोचना और आलोचना भी बेसिर पैर की। आज वो मामा के बारे में पूर्व सांसद की बात का जिक्र कर रहे हैं। जरा बताएंगे विधायक जी कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था तो उस सांसद ने इनके बारे में क्या कहा था, इनके बारे में किस भाषा का प्रयोग किया था, जरा उसका भी जिक्र कर दे तो बेहतर होता। और ऐसे संकुचित मानसिकता वाले लोगों के बारे में जिसके दिमाग के अंदर सिर्फ बुराई भरी हुई है, उनके बारे में मैं बातें करके भी अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता। लोगों ने मुझे चुनाव चुना है विकास के लिए, सुशासन के लिए। आदरणीय मोदी जी, मनोहर जी की सरकार के नेतृत्व में हम वो काम कर रहे हैं। इनको परेशानी इस बात की 40 साल इस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जो नहीं हुआ, रोड हो, पुल हो, गलियां हो, नालियां हो, सीवरेज हो, पार्क हो, नेशनल हाईवे हो, वो सारे काम फरीदाबाद में लोग देख रहे हैं। और मैं चुनौती भी देता हूं, सिर्फ कहने से नहीं, इस सिद्ध करके दिखाएं, ये कोई प्रमाण दे। या तो ये राजनीतिक जीवन छोड़ देंगे या कृष्णपाल छोड़ देगा, खाली आरोप लगाने से दुनिया इनके चरित्र को अच्छी तरह जानती है। ये किस तरह आज विपक्ष में रहते हुए लोगों को धमकाते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी उस तरह की भाषा का प्रयोग लोगों से नहीं करता। इनका भाषा में रस नहीं है, इनकी बातचीत में रस नहीं है, इनके कामों में रस नहीं है, सिर्फ इस तरह की अलूल जलूल बातें करना, ये इनकी फितरत हो गई है। मैं उस वो कहते हैं ना, गंदगी में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी आएगी, इसलिए मैं इस गंदगी से दूर रहना चाहता हूं, इससे मैं बच के रहना चाहता हूं। ये गंदगी, ये आलोचना प्रत्यारोप की राजनीति, इनको मुबारक। कृष्णपाल ने जीवन में सकारात्मक राजनीति की है, लोगों के हित में राजनीति की है, लोगों के विकास के लिए राजनीति की है, क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति की है। और इनका चेहरा मैं आज आपको दिखाता हूं, इनका चाल चरित्र चेहरा किस तरह का, जरा एक बार खुद आप सुनिए, जरा एक बार। कौन बोल रहे हो? संतोष बोल रहा हूँ, पंडित जी। हाँ जी, एक बार बात करो। हेलो जी। अरे तेरी बहन है, चौधरी ललित नागर बोल रहा हूँ, बहन के लंड। तू क्या कह रहे हो यार, पंडित जी तैर इनते हैं। मैंने क्या बोल दिया किसको जी? सारे इतना कितना पता, तू कहाँ बैठा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। मैंने क्या बोल दिया इनको, मेरा क्या मतलब? नहीं नहीं बता, तू जगह बता, बहन सो कहाँ बैठा तू, मेरा क्या मतलब इनसे? फिर तूने फोन करा तो इनको, भाई कहाँ है, क्या बात है? मैंने करा पूछो इनसे, आप क्या मतलब, मैंने करा फोन पूछा, इतना मारूंगा बहन से, याद करेगा तू, पूछो एक बार, फोन करा मैंने। तू बेटा कहाँ है इस समय, कहाँ बहन को आप ही पूछो ना, फोन करा क्या मैंने इनको? अरे तू जगह बता कहाँ बैठा। मैंने इनको फोन करा है क्या? हाँ पूछो एक बार, आप इनसे फोन करा मैंने। तेरी बहन चोट, तेरी इतनी मजाक, तेरी इतनी हिम्मत, सारे घर में निकाल कर मारूंगा। मैंने फोन कराया इनको, बहन तो चौधरी। अरे तू चौधरी बनो ना बहन तो। मैंने इनको फोन कराया क्या, आप ये पूछो, बात करिए क्या मैंने इनसे? तो ये इनका चरित्र आपने खुद देखा है। ये विपक्ष का विधायक रहते हुए कांग्रेस कल्चर का आदमी,
इस तरह एक आम व्यक्ति को धमकाने का काम कर रहा है, किस भाषा में उससे बातचीत कर रहा है, इनका चरित्र दर्शाता है। लेकिन सांसद की बात करें मंत्री जी, तो सांसद के चरित्र की क्या कहेंगे? देखिए, दोनों एक कल्चर से आए हुए लोग, ये कांग्रेस कल्चर के लोग हैं। ये दुर्घटनावश वो बीजेपी में आ गया और दुर्घटनावश वहां से एमएलए बन गया, लेकिन उसके बारे में पूरा क्षेत्र जानता है, सांसद का क्या व्यवहार है, किस तरह का चरित्र है। इन्होंने पूरे हर राज्य में जो अवैध माइनिंग, अवैध प्लॉटिंग, सारे कब्जे जिस तरह इन्होंने किए, कौन अनभिज्ञ है? इसलिए मैंने कहा ना, मैं उस गंदगी में नहीं जाना चाहता। क्षेत्र की जनता के सामने सारा आईना है, और मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, ये अपना चेहरा जरा आईने में देखिए, उस पर कितनी कालिक पुती है। ये मैं शब्दों में कहूंगा तो अच्छा रहेगा, और एक सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति को ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने एक विधायक की ऑडियो आपको सुनाई है, किस तरह जनता के आदमी को धमका रहा है, किस तरह बदती भाषा में उससे बातचीत कर रहा है। ये कांग्रेस कल्चर, कांग्रेस के नेताओं को मुबारक, बीजेपी में ऐसी संस्कृति के लिए, ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है, ना दूसरों के लिए ना अपनों के लिए। लेकिन पूर्व सांसद की बात करें तो एक बार एक सभा में आपने उनको अपने चाचा भतीजे वाली के उस तरीके से बात भी की थी, तो उस बारे में क्या समझा जाए? जो आज देखिए रिश्ता चाचा भतीजे का है, रिश्ते में वो चाचा लगता है, मैं भतीजा हूं, लेकिन चाचा और भतीजे के चरित्र में भी लोग जानते हैं कितना अंतर है। चाचा का चरित्र क्या रहा है, कितनी पार्टियां उसने बदली हैं, सत्ता के साथ रहता आया है, कभी विपक्ष नाम की चीज देखी नहीं, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं इसलिए सत्ता का सहारा ऐसे लोगों को चाहिए। कैसे पहुंच जाते हैं मंत्री जी दूसरी पार्टी को, किस तरीके से मतलब राजनीति कर जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं वहां पर, क्या तरीका होता है? देखिए, अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए आदमी कहीं भी जाके गिर सकता है। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो ना दल का है, ना समाज का है, ना शहर का है, वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ स्वार्थ का होता है। जहां स्वार्थ सिद्ध होगा वहां चला जाएगा। थैंक यू।